हाल ही में गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा सर्विस लॉन्च किया था जो कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदेमंद हो रहा है, जिसका नाम था ई श्रम कार्ड, यानी कि लेबर कार्ड कह सकते हैं सेंट्रली। बहुत सारे लोग जो कि कुली मजदूरी का काम करते हैं या फिर जो छोटा मोटा जो कर्मचारी हैं, छोटे मोटे जो काम करते हैं, छोटा मोटा जो बिजनेस करते हैं, साथ ही जो लेबरर हैं, सब लोगों का जो अनऑर्गेनाइज हैं, अभी तक उनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सारे लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनके लिए ये वेबसाइट लॉन्च किया था और ये सर्विस जो है लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन है कि क्या हमें 330 रुपया हर साल देना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोग वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। सो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा इस श्रम कार्ड में आपको कितना पैसा कटेगा, कितना पैसा मिलेगा और इसके पीछे जो छुपी सरकार का मकसद बनाने का ये कार्ड कैसा है और क्या है जो कि आपको ये कार्ड बनाने के बाद फ़ायदा होगा या फिर नुकसान, मैं इस वीडियो में कम्प्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग इस श्रम कार्ड यानी कि लेबर कार्ड बनाएंगे, हर साल उनका 330 रुपया कटेगा या फिर नहीं, ये जानने से पहले समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट जो ये इस श्रम कार्ड का सर्विस लॉन्च किया है, इसमें छुपी उसका मकसद क्या है। चलिए पहले उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो बता दूँ, आप ये समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस श्रम कार्ड है सिर्फ लेबरर लोग ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। छोटा मोटा अगर आप बिजनेस करते हैं तब भी आप अपना नाम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 8-10 कैटेगरी दिया है, जैसे कि कोली, माली, मजूरी, या फिर आप छोटा कोई दुकान दे रखे हैं, छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आपके पास जो काम है वो अनऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइजेशन आपके पास नहीं है, तो आप सब लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन से लोग करेंगे, कैसे करेंगे, मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इसका लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। साथ ही अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंकेज नहीं भी है तो उसका भी प्रोसेस नीचे वीडियो में है, आप जाके देख सकते हैं। तो ई श्रम सर्विस को लॉन्च करने का, ई श्रम कार्ड जनरेट करने का सरकार का सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि उनके पास अभी तक कोई भी डाटा नहीं था, इस वजह से वो सबसे पहले इसमें डाटा कलेक्शन कर रहा है। तो ई श्रम कार्ड बनने के बाद आपको 4-5 तो बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला बेनिफिट तो यही है, आपका जो ई श्रम कार्ड बनेगा वो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा, यानी कि आधार KYC के साथ ही गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, जहां पर गवर्नमेंट भी आधार नंबर एंटर करते ही आपका पूरा डिटेल्स निकल के चला आएगा। इसके बाद जो सेकंड है, आपका अकाउंट भी इसमें लिंक हो जाएगा, बैंक अकाउंट और आपका आधार दोनों ही पूरा लिंक हो जाएगा आपके ई श्रम कार्ड में। इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट जब चाहे आपकी आधार नंबर पे पैसा सेंड करते ही जो अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे उसमें ही सीधे आपके पास पैसा चला आएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा और बढ़िया बेनिफिट ये है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो कि हर साल आपको 12 रुपीज का पेमेंट करना होता था, ये ई श्रम कार्ड जैसे आप बनाते हैं तो पहले साल का 12 रुपीज आपको फ्री में करने का मौका मिलता है, यानी कि आपको पैसा देना नहीं है, और नेक्स्ट ईयर से जो भी अकाउंट आप यहाँ पर लिंकेज करेंगे उसी अकाउंट में 12 रुपीज हर साल कटता रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पर कवर होगा 2 लाख रुपीज का अगर आपका डेथ होता है। लेकिन अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है, हाथ पैर या फिर कोई भी नुकसान होता है, तो आपको 1 लाख रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो इस श्रम कार्ड बनाने के बाद गवर्नमेंट के पास डेटा तो चला जाएगा, डेटा उसके पास सेव हो जाएगा और आपको 4-5 बेनिफिट एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो अभी बात करते हैं 330 रुपया जो आपको हर साल देना होगा, जो लोग सब लोग कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन वायरल हो रहा है, इसके बारे में कितना सच्चाई है। लेकिन ये सब कुछ फेक है, गवर्नमेंट आपको सेंट्रली ही ये फ्री में दे रहा है, आपको यहाँ पर पैसे तो नहीं देने हैं, साथ में आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। जो भी आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी पैसा चार्ज करता है तो आप सीधे ही अपर ऑफिशियल से कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गया, आपको हर साल 330 रुपये गवर्नमेंट को पे नहीं करने हैं, ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बनाने का भी फ्री है और आपको लाइफ टाइम एक भी पैसे आपको नहीं देना है। लेकिन आपको PM सुरक्षा योजना के तहत आपको 12 रुपये देना होगा, जो कि आपका ही है, आपका LIC को कवर करेगा, यानी कि आपका ही लाइफ को कवर करेगा। सो अगर आपको अभी तक पता नहीं कि लेबर कार्ड यानी कि इस श्रम कार्ड को कैसे ऑनलाइन करते हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंकेज नहीं भी है तो आप कैसे करेंगे, उसका भी वीडियो का लिंक नीचे है, जाके आप देख सकते हैं।